उमरिया जिला अपराध शाखा की टीम ने ग्राम नीला गोंदी निवासी व उप सरपंच खेमलाल बुधुमल मस्करे के घर पर छापा मार कर 13 चमचमाती लोहे की तलवार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई 5 जुलाई को की गई है। दवनीवाड़ा थाने की पुलिस अधिकारी ने दूसरे दिन 6 जुलाई को आरोपी को तिरोड़ा न्यायालय में पेश किया, जहां उसे 20 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भंडारा जेल भेज दिया गया। इस संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक विश्व पानसरे ने बताया कि उन्होंने जिले में अवैध शस्त्र व हथियार रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए 29 जून 2022 को एक दल तैनात किया है। इस दल ने गुप्त जानकारी के आधार पर नीला गोदी में खेमलाल मस्करे के घर पर दस्तक दी, जहां घर के भीतर एक कमरे में खाकी रंग के बॉक्स में 13 लोहे की तलवारें मिली, जिसकी कीमत 13,000 रूपए बताई गई है। इन तलवारों के संबंध में पूछताछ करने पर खेमलाल ने उक्त तलवार उनके भांजे के होने की जानकारी दी, जिसे पुलिस ने नाबालिग भांजे से पूछताछ की तो उसने बताया कि तलवार उसकी है। ये भी पता चला कि वह तलवार की बिक्री करने वाला था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को न्यायालय में उपस्थित कर वहां से बाल सुधार गृह नागपुर भेज दिया। दवनीवाड़ा पुलिस ने भारतीय हथियार कानून की धारा 4 व 25 के तहत मामला दर्ज किया है। जिला पुलिस अधीक्षक पानसरे ने ये भी बताया कि आगामी नगर परिषद के चुनाव को ध्यान में रखकर पुलिस का दल काम करेगा। संगठित करेगा मुझे जब न्यू हिट जब कि वालों साहब हो जापर करना है, दारू साहब हो जापर करना है, वो करना धमकों पैसे वो खंडे ऊपर ना देंगे और ही लैंड माफिया जो जल्दी लैंड होती है वो इधर कब्जा करने सर हेड्स करें। अभी कहा बीसी न्यूज गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।